अन्नपूर्णा, यानी जो इस जगत में अन्न की पूर्णता करे वो अन्नपूर्णा है। शिव पुराण के उमा संहिता के पहले अध्याय में अन्न को साक्षात शिव का रूप कहा गया है। अन्न साक्षात हरिहरः, यानी अन्न साक्षात परमेश्वर शिव है। उसी अन्न को पूर्ण करने वाली, यानी उसी शिव को पूर्ण करने वाली देवी पार्वती ही अन्नपूर्णा कहलाती है। अन्नपूर्णा के रूप को देखा जाए तो एक देवी किसी बर्तन में भगवान शिव को भोजन परोस रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि तीनों लोकों को वरदान देने वाले शिव एक देवी के सामने भीख क्यों मांग रहे हैं? भगवान शिव ऐसा कार्य करके संसार को अन्न का महत्व बताते हैं। वे बताते हैं कि अन्न का वो स्थान है जिसके सम्मान में ईश्वर भी हाथ फैलाए खड़े रहता है। अन्न वो तत्व है जो प्राणियों के पेट में भूख की आग को शांत करता है, इसलिए वे उसका सम्मान कर रहे हैं। इस रूप में पार्वती उसी अन्न को बर्तन में लिए खड़ी है, जिसका अर्थ ये है कि प्रकृति स्वयं अन्न को धारण करती है। वही प्रकृति धरती की कोख से अन्न को पैदा करती है। इसलिए मानव जाति को ये बात समझनी चाहिए कि जिस अन्न को पार्वती धारण करे और साक्षात महादेव जिस अन्न का सम्मान करे, तो मनुष्यों की क्या हैसियत की उसका अपमान और अपव्य करे। कूर्म पुराण के अनुसार जब शिव पार्वती का विवाह हुआ तो महादेव के पास कोई घर नहीं था अपनी पत्नी को रखने के लिए। वो कैलाश से भटकते हुए अपनी पत्नी के साथ एक नगर में आए जिसे आज काशी कहा जाता है। उस समय काशी में महाराज बिंदु माधव का राज्य था। जब बिंदु माधव को पता चला कि जगत पिता शिव और जगत जननी पार्वती उनके राज्य में रहने आए हैं, तो राजा बिंदु माधव ने सारी काशी नगरी भेंट स्वरूप महादेव शिव को सौंप दी। शिव जी प्रसन्न होकर राजा को मोक्ष का वरदान देते हैं। विवाह के बाद धरती पर शिव पार्वती का पहला घर बना, जिसमें पहली बार माता पार्वती ने शिव के लिए भोजन बनाया और शिव जी ने अपनी भिक्षा पात्र को आगे बढ़ाकर कहा, भिक्षाम देही पार्वती, यानी कि हे देवी पार्वती, तुम मुझे भिक्षा दो। ये देखकर सारा संसार चौंक गया कि तीनों लोकों को वरदान देने वाले शिव आज खुद देवी पार्वती के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। किंतु सत्य तो ये है कि ऐसा करके भगवान शिव अपनी पत्नी को अपने ही बराबर सम्मान दे रहे थे। वे बताते हैं कि वैवाहिक जीवन में जितना आदर पत्नी पति को दे, उतना ही आदर पति भी अपनी पत्नी को दे। जब शिव भोजन करते हैं तो सारा संसार तृप्त हो जाता है। कहा जाता है तभी से काशी में आज भी माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, जहां हजारों श्रद्धालु आते हैं। पार्वती देवी के इसी रूप का वर्णन करते हुए वेदांत के भाष्यकार आदि शंकराचार्य कहते हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च पार्वती। अर्थात अन्नपूर्णा जो शिव की पत्नी है, वो अन्न के साथ हमें ज्ञान और वैराग्य भी भिक्षा में दें। ये मंत्र शैव मत के सन्यासी आज भी भिक्षा ग्रहण करते समय जपते हैं। ओम अन्नपूर्णायै नमः।